सुबह सुबह अभी हम लोग बगान पाए हैं बादाम उखाड़ने के लिए। नदी पार करना पड़ेगा, झरना है, तो खड्डा है। अरे गरम गरम पानी है रे। हाँ गरम पानी है, हीटर लगल है अंदर। अरे सही में गरम है रे, सुबह सुबह इतना गर्म पानी कहाँ से आ रहा है। हाँ वाह वाह। तो इस तरह से गांव का छोटा सा बांध। हेलो दोस्तों, आप सभी को जोहार और स्वागत है हमारे चैनल विनोद लीलाएं फैमिली में। तो सुबह सुबह हम निकल गए बादाम तोड़ने के लिए। तो हम अभी हैं, अभी हम जलगांव में हैं, आए हुए हैं, है ना। कल ही आए थे, कल माँ का छुट्टी था तो हम लोग गए, सोचे चलो गांव घूम के आते, वापस जाना था लेकिन लेट हो गया तो हम लोग रुक गए। और कल टोटो बाजार भी घूमे, बहुत मज़ा आया। जूम करके दिखेगा नहीं लेकिन फिर भी मस्त लगेगा। क्या हम सुबह सुबह चारों तरफ को कुहासा है ना, ठंडा लग रहा है। चलते हैं आगे। गांव का बात ही अलग है भाई, यहाँ का मजा ही कुछ और है। अरे आपको यहाँ पर से सीन दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर से बहुत चारों तरफ कुहासा। उधर पहाड़ इलाका है ना, पहाड़ी इलाका है उधर, पहाड़ी इलाका है, मस्त लग रहा है। पूरा कुहासे से भरा हुआ सुबह सुबह, सूरज भी अब उठने वाला है, थोड़ा देर बाद गर्मी तो लगेगा। मान लो उधर अब बादाम उखाड़ना शुरू हो गया है। यहाँ देखिए मड़ुआ का खेती किया हुआ है, मस्त पूरा सीत से भींगा हुआ है जमीन। मड़ुआ खेत, तो यहाँ पर देखिए बादाम उखाड़ना शुरू हो गया है। पूरा सरिया अपना दुपट्टा सब रख रहे हैं। अच्छा जो मतलब कि अपना डाली से अलग हो गया, इसको इसमें डालना है, समझे। कैसे तो पौधा निकालना है और पौधा से कोई अलग हो गया बादाम, तो उसको इसमें डालना है। वो भी नहीं करना है, बढ़िया उखड़ रहा है। चप्पल खोलना पड़ेगा ना, खोलो दिख रहा है छोटा मोबाइल। भूला जाएगा मोबाइल। तो अब बादाम उखड़ना शुरू हो गया है। धूप नहीं होगा तब तक ठीक लगेगा, धूप होने के बाद हालत खराब करेगा ना। ये मड़वा भी हमारा है। वेरी गुड, अभी पका नहीं है। मड़वा अच्छा दिख रहा है ज्यादा। अब हम भी जा रहे हैं उखाड़ने, कहीं से भी उखाड़ सकते ना, इधर से। तो देखिए ये रहा बादाम, बादाम को हम इसे खींचे तो इस तरह से निकला बादाम। बहुत सारा बादाम है, होते हैं अभी तो छोटा छोटा। छोटा ही रहेगा। तो इस तरह से एक बादाम उखाड़े, छोटा 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 छोटा। इधर का मत दिखाइए, इधर उधर जाएंगे ज्यादा होगा उसको। चलो ठीक। माँ जैसे बताई कि बारिश में होता है ना, ये थोड़ा गड्ढा एरिया होता है ना, तो पानी ज्यादा जमा हो जाता है। इस बार ज्यादा बारिश हुआ ना, तो उसके वजह से ढील जाता है पानी, तो कम होता है। अच्छा अच्छा, उधर साइड होगा, मिलता है उधर, मिलेगा। अच्छा अच्छा।
सबका वीडियो बना रहे थे अपना। हम गमछा पहने निकालो जल्दी जल्दी। अच्छा हम पैंट पहने हैं, दिखा रहे हैं। ये क्या है, पेटा बंधा रहा है, वो भी अकल है नहीं। हाँ बढ़िया बढ़िया, चलो अब काम शुरू। कितना सुंदर धूप दिख रहा है पूरा। बादाम उखाड़ रहे हैं। बादाम उखाड़ रहे हैं। बादाम गुड। धर्मा लोग अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या चीज माँ का रखल है, आयर पहुंचा दिया। क्यों पहुंचाया? तू जगह भुला जाएगा बीच में रखल। इधर ला रहे थे, इधर भुलाया का है? नहीं तो बादाम के ऊपर रखल था, तुमको लगा भुला जाएगा इसलिए किनारे रख दिया। सब मोबाइल वही जगह है, खत्म हो जाएगा ना अभी। बुरा हाल है, आधा खेत 50% हो गया। नहीं अभी और है, जहां तक दिख रहा है उतने दूर ना तो हो गया, खत्म खत्म हो गया। ट्रैक्टर भी आ गया और खत्म हो गया। माँ थक गई है और सुमन भी थक गई है। ग्लूकोज सारा चूस लिया वो सूरज। कैसा लग रहा? कटक कटक करके कैसा लग रहा? ग्लूकोज खत्म हो गया बॉडी का। पता है हम इतना आराम से तो बैठे हैं, पूरा सब तरफ पिल्लू है, कुछ ना कुछ जीव है। हाँ तो कैसा लग रहा है? बढ़िया, मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का फल बादाम होता है। चलिए तो कैसा लग रहा, कैसा लग रहा है ये? थोड़ा सा लग गया, थोड़ा का पूरा अभी खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो। गुडवा और इधर एक फूस फटाका खेत में। आप कैसे लग रहे पता है आपको? वो क्या बोलते हैं, जटंगी फूल, सुरगुज्जा फूल की कहानी बोलते हैं, सुरगुज्जा फूल है। हाँ वैसे लग रहे हैं खेत में, येलो येलो। दिल को करार आया, जल्दी फास्ट, इतना स्लो करने से कैसे होगा आपका? कहाँ चुंदी में रखने जा रहे, इधर ही तो रखो, आपके पीछे था ये। ये आप वहाँ चले गए तो दूर, क्योंकि हमको सजाने की आदत है। बड़े आए तो अभी हम लोग बादाम तोड़ना खत्म कर लिए हैं और बैठ के बादाम खा रहे हैं। ताजा 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 ताजा, बहुत थक चुके हैं, पसीना निकल गया। हम ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि मेरा सिर दर्द शुरू हो गया था। माँ और सुमन की है पूरा सबसे ज़्यादा माँ। माँ का करने वाला वीडियो बना रहे थे ना, कितना खतरनाक कर रहे थे। छोटी माँ अभी भी लगल है, जो गिरल उरल मतलब जो चुन रही है उसको। और ट्रैक्टर में लोड हो रहा है, दो ट्रिप तो करना ही पड़ेगा और ज्यादा है, इसीलिए हवा चल रहा है धीरे धीरे। बहुत अच्छा लग रहा है, गांव के थोड़ा ऊंचा स्थान में है इसीलिए खाते इसको मथाइन। अच्छा, मथाइन बोलते हैं इसको? नहीं मैथन, माँ का वो तो मैथन था ना, इसको मैथन मथाइन क्या मतलब कि खाली जगह देखने लायक है, जो अच्छा है, हरा भरा। अच्छा, पेड़ पौधा बड़ का, पुराना बड़ का पेड़ है, देखिए सब है, इसीलिए इस जगह का नाम मथाइन है। क्यों
यहाँ ज्यादा लोग कोई आता जाता नहीं है, ये पूरा आउट ऊंचा एरिया है एकदम, मतलब लाइक हमारे तरफ जंगल नहीं है लेकिन समझ जाओ जंगल जैसा एरिया है ना, आउट एरिया मतलब ना। देखो गुमला का छोटा किसान पहचान है, इधर पीछे में लिखा है फार्मर। का नाम हो बाबू? आकाश नाम है तो तोर नाम हरिकर तो किसान बाबू कुछ बोले चाहिस ला तो है डराए लगे लुका। अब 10:30 सोने को है और अब भूख लगने लगा बहुत, तब देख रहे देखा लोड हो रहा है ट्रैक्टर में, होगा उसके बाद हम लोग भी निकलेंगे। दो वाले जाना पड़ेगा, एक बार में ढेर जाना हो जाएगा। तिरपाल उरपाल लाता तो ना का धूप लगा था तो चल छायन में चल। बहुत टाइम हो गया अब हम लोग का, यहाँ पर अब लोडिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है तो टाइम तो लगेगा, इंतजार करते हैं। किसान पकड़ रहे ठीक, किसान पकड़ ये जगह हाथ ना डाल दो ठीक। तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है और स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम लोग धक्का मार के स्टार्ट करें। लोड हो गया आधा, मतलब ट्रैक्टर कंप्लीट लोड हो चुका है, उसके बाद ऐसा प्रॉब्लम आया। चलिए करते हैं कोशिश। अरे नीचे से जितना ताकत नहीं लगा अपना पैर से लगा रहे हैं। स्टार्ट कर दिया से, हम बहुत जोर से धंगे ले थे एकदम मन से। अबरे बंद मत करना। तो अब हम लोग का खत्म हो गया यहाँ पर बादाम तोड़ना। अब एक ही इतना मोबाइल है सबका। हेलो हाँ सब चप्पल कहाँ कहाँ पर है, हम लोग का खत्म हो गया। ट्रैक्टर भी रेडी, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। बहुत देरी हो चुका है, 12:11 भूख लग रहा है। तो मेरा चप्पल कहाँ भुला गया, तो एक बार हम लोकेशन दिखाते हैं। हम तो पहली बार आए हैं मथाइन, तो उधर चट्टान है पहाड़ है, उधर भी जाना पड़ेगा। एक बार एक आध बार घूमने जाना ही पड़ेगा लग रहा है। मस्त मस्त जगह तो दिख रहा है। ट्रैक्टर आधा से ज़्यादा ट्रैक्टर में हो गया लोड, लेकिन पूरा नहीं हुआ। अब हम लोग जाते हैं, बहुत देर हो गया, भूख लग रहा है। हाँ आधा ट्रैक्टर मेरा चप्पल कहाँ छूटा हमको खुद मालूम नहीं। अरे चप्पल कहाँ छूटा, नहीं नहीं यहाँ पर ना हम धक्का मार रहे थे ट्रैक्टर को,
हम खोले और अरे मेरा चप्पल उधर है, मेरा चप्पल है उधर। ओ मिल गया, इधर इधर ही है चप्पल। हाँ तो इतना से इतना एरिया, अच्छा एक साइड से तो पूरा खत्म ही कर दिया, बस इधर बचल है। चलो ठीक है, चप्पल तो जलते हैं अब हम लोग घर, है ना। ज्यादा ये खेत भ्रमण हो गया भाई, खेत दाड़। बहुत दिन बाद खेत दाड़ कर रहे, तो हालत खराब हो गया थोड़ा थोड़ा, भूखे प्यासे। और बचल है इधर, हो छोड़िए ना उधर। देखिए अभी हम लोग गोदाम खेत से इधर आए हैं, थोड़ा दूर, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं। कुआं मिला हम लोग को, कुआं में हम लोग फ्रेश हो लेते हैं। बगान में बहुत कुछ लगा हुआ है, एक कलमी, पानी बहुत सामने है। परवीन हम लोगों को पूछा खिलाने लाया है, बाप रे बस चल रहा है, बहुत खतरनाक बस चला रहा है। बस बस मेरा है प्रेम, यहाँ हमेशा लगाते हैं ना, हमेशा लगाते हैं। बहुत फेमस है आपका, नहीं फेमस हम लोग जलगांव से आ रहे हैं खाने आपके पास। फेमस है, सब तरह का आदमी लोग आता है, बिशुपुर लोहरदगा अच्छा ये आसपास का आ जाता है। टाइमिंग कितना रखते हैं? टाइमिंग मेरा बेचने का टाइमिंग है 9 से 2 बजे तक, 2 बजे 1 बजे यही टाइम है मेरा। हाँ। ये आपका मीठा तो बहुत टेस्टी दिख रहा है। हाँ टेस्ट है सर, खुद से बनाया हुआ है। हाँ खुद से बनाया, इसीलिए। तो ये बता दूं आप लोगों को, ये गुमला और लोहरदगा रोड में है, इधर लोहरदगा साइड है और ये गुमला तरफ का है। और जो हम खड़ा हुए हैं वो टोटो से थोड़ा और आगे लोहरदगा जाने वाला रास्ता में है। काम दिखाओ। अभी टकला कितना बड़ा मुंह करेगा तू? ये मेरा और रोशन हमारा हो गया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, टेस्टी लगा। में भी इतना अच्छा मिल रहा खाने के लिए। बाबू का बादाम उखाड़ दिए तो हम लोग पूछा खिलाया। तो रो कह रहे तो मीठा वाला ले लो। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर आएंगे आपका तो अब हम वापस रांची जाते हैं और अंधेरा हो गया है क्योंकि कल अलमा के यहाँ जाना है। तो प्लीज़ आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद।